हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं सभी फ्रेंड्स मेरा बहुत अच्छा होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो इवनिंग का टाइम है और इवनिंग का टाइम का ये रही टाइम इवनिंग का, तो मैं सभी वर्ग को प्रणाम देती हूँ, छोटे छोटे सारा प्यार देती हूँ। जिसने सब्सक्राइब करके रखा हो बहुत बहुत धन्यवाद। खाने का बनाने जा रही हूँ, तो मैं अभी वो बनाया नहीं, खाती हूँ मैं बाहर जाके उसको, पर बनाया कभी नहीं है, तो आज ट्राई करते हैं, देखते हैं बनता है नहीं बनता है। तो चलो, और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं उसको, मुझे नहीं पता कैसे बनेगा नहीं बनेगा। और मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई हूँ आज, तो देखते रहना कैसे बना रही हूँ। और उसका नाम है टिक्की, जैसे गोलगप्पा टिक्की फुल्का, तैयार करके रखा। तो चलो स्टार्ट करते बनाना। तो ये है साबूदाना, और साबूदाना को मिक्स में पीस लूँगी पहले, और इसको हम पीस के लेना है। सबसे पहले ये काम है, साबूदाना चाहिए तो साबूदाना को देखो पीस लिया है एकदम बारीक करके, और इसको डाल दूँगी मैं कटोरी में। अब मैं दिखाती हूँ कि इसको क्या क्या चाहिए। तो ये देखो, आलू ले लिया और इतना सा लिया मैदा। तो आलू को और मैदा को अच्छी तरह मैश करना है, तो इसको मैं किसी हाथ से ही करना है, तो इसीलिए मैं हाथ से ही इसको मिला रही हूँ, क्योंकि इसको हाथ से अच्छी तरह मैदा के साथ इसको मिलाना है। उसके बाद ये मैदा के साथ मिलाने के बाद मुझे इसमें जब थोड़ा मिल जाएगा तब इसमें डालना है हिसाब से साबूदाना। तो मैं ये 2 चम्मच साबूदाना डाल के अब फिर इसको मिलाऊंगी अच्छे, जितना हो सके इसको मिलाना है। तो ये देखो मैंने इसको मिला लिया है, और इसको मिला के अब मैंने रख दूंगी इसको, थोड़ा ऊपर नीचे करके रख दिया कि चिपके नहीं। तो ये देखो आलू को ऐसे अलग अलग कर लिया इसको, तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी, और इसको थोड़ा सा गरम तेल लेके फिर इसको लगाना है। थोड़ा मैंने साबूदाना पिसा हुआ डाल दिया, अब मैं तेल में हाथ लगा के उसको दबा के तब मैं इसको ऐसे करके हाथ में आटा की लोई की तरह लगाऊंगी और उसको चिपका दूंगी थोड़ा सा। अब तेल डीप तेल में इसको फ्राई नहीं करना है, तो इसको हल्का तेल में करना है। तो बस इसको मैं हल्का तेल में कर रही हूँ, और ये मतलब बहुत आसानी से बन जा रहा है, और ये खाने में भी बहुत टेस्ट हुआ था, अच्छा मतलब अच्छा बना था। तो मैं तो पहली बार बनाई हूँ, और टेस्ट वही आया था, थोड़ा सा छोटा हो गया था बस। तो छोटा हो बड़ा हो, घर की चीज़ तो घर की होती है। तो मैं ये बना रही हूँ, और ये मतलब इस तरह से अगर मतलब आलू के साथ अगर मैदा और साबूदाना नहीं मिलाएंगे तो टिक्की नहीं बनेगा, क्योंकि आलू फट जाएगा। तो देखो ये इस तरह से मैंने डाल दिया, तो थोड़ा सा ये जल जाता है तो भी अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा जल चिपका रही हूँ लाल लाल करके, तो इसलिए अब मैं इसको पलट पलट के मतलब फ्राई कर लूँगी। तो ये फ्राई मैंने कभी इसको बनाया नहीं था, तो ये देखो फ्राई हो गया है, और ये फ्राई हो गया तो अब इसको अच्छी तरह मतलब एक पीट तो हो गया एकदम, दूसरा पलट के उसके बाद मैं इसको फ्राई कर दूँगी, तो बस हो जाएगा। और उसी हिसाब से बनाएं जितना हमें चाहिए। तो ये तो बन गए, बन के रेडी भी हो गया, देखो अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो इसके लिए मैंने मीठा चटनी, खट्टा चटनी और दही, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक सब ले लिया, और साथ में कटोरी और ये ले लिया, मट्टी ले लिया मैंने खास्ता के लिए, खास्ता वाला मट्टी आता है वो, तो क्योंकि खास्ता इसमें चाहिए तो थोड़ा सा, तो ये मैंने गोलगप्पे तो खास्ता वाला नहीं था, तो मट्टी लाई थी मैं खास्ता वाले। तो इसको लेके अब मैं इसमें
हो गया है अच्छी तरह एकदम, थोड़ा सा ना क्रंची करने के लिए इसको रखी हूँ अभी, तो ये क्रंची होती रहेगी जब तक मैं वहाँ पे सारा से मेरा मसाला तैयार है, तो मैं अब इसको बना सकती हूँ। तो इसको बना लेते हैं फटाफट। तो देखो सारा लगा दिया मैंने प्लेट, तो ये मैं देखो तोड़ के इसको बीच में से निकाल दे रही हूँ, और निकालने के बाद ये एकदम गर्म है तो गर्म ही गर्म अच्छा लगता है, बीच में से थोड़ा सा तोड़ के उसके बाद ही मैं इसमें डालूंगी तभी अच्छा लगेगा। और ये देखो सारा जो कर दिया मैंने, अब मैं आराम से इसमें मसाला पर एक एक करके डालूंगी, मीठा चटनी, तो ये देखो मीठा चटनी और ये सब डाल के दही डाल के इसको डाल दूँगी और सारा मसाला डाल दूँगी। तो बस हो गया टिक्की रेडी, और दही भी इतना ही डाला जितना मुझे चाहिए था। और इस तरह से शाम को नाश्ता बना के कभी कभी खाना चाहिए क्योंकि अच्छा लगता है ये, और गरम गरम तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलो खा लेते हैं, बन गया है एकदम फुल रेडी, और आप लोग भी खा लो और इसको बताना कैसे हुआ है। तो मैं तो ये खा ही रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें खाने में। तो चलो आप लोग जो जहाँ पे हो खाओ और खा के बताओ टेस्ट करके कैसे लगे, और क्योंकि उसमें तो नमक नहीं था इसलिए नमक डालना पड़ रहा है अलग से। तो मैं तो नमक डाल के अब इसको सबके लिए बना के रख दिए, अभी देखी मैं तो खाऊंगी और तो